हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी में आरक्षण, रिजर्वेशन सिस्टम इन गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे, सरकारी नौकरी में आरक्षण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारा चैनल इसी के लिए हमने शुरुआत किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत में आरक्षण 1990 के आसपास ज्योतिबा फुले जी थे, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जो भी मतलब अछूतों के लिए या दलितों के लिए काफ़ी काम किया था इन्होंने। जी के संघर्ष के बाद अंग्रेजों द्वारा आरक्षण दिया गया था सरकारी सेवाओं में। दूसरी बात, साहू महाराज ने भी कोल्हापुर रियासत में SC ST OBC को स्कूल में मतलब शिक्षा में रिजर्वेशन और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया था 50%। अब बात करते हैं आधुनिक भारत में, या बोल दीजिए आज़ादी के बाद। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत SC ST OBC को आरक्षण दिया गया। SC ST को 335, और इसी में अ या के जोड़कर मतलब इसी अनुच्छेद में संशोधन द्वारा ये दिया गया है ओबीसी को। ओबीसी को कब मिला? ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं उनको मिला है 1900, ये देखिए SC ST को तो मिल गया 1950 से ही मिल गया, जब संविधान लागू हुआ, और ये ओबीसी को मिला 1992 से। ये 1950 में भी बात चल रही थी कि इनको भी आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन 1950 में नहीं हो पाया, और काफ़ी संघर्ष, काफ़ी आंदोलन हुए, तो 1991 इस टाइम पे 1990-91 में दे दिया गया, लेकिन 1992 तक इस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी रही, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक सुधार किया कि जो क्रीमिलियर रहते हैं, मतलब जिनकी आय ज़्यादा रहती है, अभी लगभग 8.5 लाख रुपये इनकम जिनकी है, उनको क्रीमिलियर तक रखा गया, मतलब क्रीमिलियर के बाहर, मतलब नॉन क्रीमिलियर में रखा गया है, उससे नीचे वाले। तो अभी जो मतलब जो ओबीसी को आरक्षण 1992 में मिला था, जो कि 1931 की एक जाति जनगणना थी, जिसके अनुसार ओबीसी 52% था। कुछ लोग कह रहे थे कि ओबीसी को 52% आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन 22.5% वो और 52% लगभग 75% आरक्षण हो जाता, थोड़ा सही नहीं रहता। तो ये और बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और ये मैं आपको बता दूं, ये खुद एक राजपूत थे, ऐसा नहीं है कि ये भी ओबीसी वाले थे, ठीक है। ये मंडल कमीशन के थ्रू दिया गया था। अब बात करते हैं कुल टोटल कितना दिया गया है, क्या है। तो देखिए, SC की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से दिया गया है। देखिए, 16.6% पॉपुलेशन है, तो SC को जो आरक्षण है वो है 15%। इसी प्रकार से ST की जो जनसंख्या है वो है 8.6%, जो इसका आरक्षण है 7.5%। इसी प्रकार से ओबीसी की जो जनसंख्या है लगभग 1931 की जनगणना के अनुसार लगभग 50% 52% के आसपास है, तो उसको 27.5% आरक्षण दिया गया है। अब कुल टोटल हम देखें तो हमारे जो गवर्नमेंट जॉब में जो आरक्षण हो जाता है वो 44.50 हो जाता है, यानी कि अनरिजर्व जो सीट बची 50.50 बच रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जो इंडिया में जो सरकारी नौकरी में आरक्षण है उसके बारे में आपको बताया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।